नमस्कार अर्गस ब्रीफ ब्रेकिंग को स्वागत करुछी मु शक्ति। वर्तमान सबुठू बड़ा खबर सीबीएसई रास्ता रे जाइछि सीएचएसई राज्य रे युक्त दुई परीक्षा को बातिल कर दिया जाइछि। पूर्व सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल करथिला एवं एबे ओडिसा रे युक्त दुई परीक्षा को बातिल कर दिया जाइछि। जीवन आग करियर जीवन ठू अधिक गुरुत्वपूर्ण नुहे। कोरोना संक्रमण को जो भली भाव रे राज्य रे वर्तमान काया विस्तार करछि ताकू दृष्टि रे रखी युक्त दुई परीक्षा को बातिल कर दिया जाइछि। परीक्षा थारु छात्र छात्रीं कर जीवन अधिक मूल्यवान एक कथा कहिछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। तेणु जीवन जेहेतु आग परीक्षा आग नुहे तेणु जीवन बंचेबा पई पिलामानंकर युक्त दुई परीक्षा को चलित वर्ष पई बातिल कर दिया जाइछि। कोरोना संक्रमण जो भली भाव में राज्य में वर्तमान भी काया विस्तार करछि। अधिकांश राज्य में जदि संक्रमण कमी सारे कि ओडिसा रे भी संक्रमण अधिक रहुछि तो से दृष्टि युक्त दुई परीक्षा को बातिल कर दिया जाइछि। पूर्व सीबीएसई पक्षर द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल कर दिया जाइथिला एवं ए निष्पत्ति परे अनेक राज्य सेमानंकर द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल करथिले। महाराष्ट्र राजस्थान मध्यप्रदेश हरियाणा गोवा एभले अनेक राज्य रे द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल कर दे जाइथिला। अपेक्षा करा जाउथुला आशा करा जाउथुला ओडिसा मध्य सेभली एक निष्पत्ति नबो एवं एटी मध्य प्लस टू परीक्षा को युक्त दुई परीक्षा को बातिल करा जीवो एवं ठीक सेया ही होइछि जहां अनुमान करा जाउथुला। गणशिक्षा विभाग एने के तर्जमा करथुला राज्य सरकार एने तर्जमा करथुले एवं शेषे किसी समय तले जो निष्पत्ति आसी युक्त दुई परीक्षा बातिल कर दे जाइछि। एबे सबठो बड़ प्रश्न जदि युक्त दुई परीक्षा बातिल कर दिगला ताल फल प्रकाश हम कि ना केबे फल प्रकाश हम एवं को आधार रे फल प्रकाश करा जीवो कौन आधार रहिबो। डॉक्टर अभय महांती शिक्षावित आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती। डॉक्टर महांती आपको स्वागत। एवं प्लस टू युक्त दुई परीक्षा मध्य बातिल कर दि जाइए सीबीएसई जो भाव में द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल कला एवं सबुठ बड़ा प्रश्न जे ए निष्पत्ति को आपन प्रथमे केमती देखुछंती एवं बड़ा प्रश्न जदि बातिल हैला फल केमती प्रकाश करा जीवो। सरकार जो केंद्रीय संचार से माने मध्ये एटी मध्ये युक्त दुई परीक्षा को बातिल करछ। मो आमरो प्रश्न हला बातिल करिया पय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देखा जाउ किंतु प्लस टू एक गुरुत्वपूर्ण परीक्षा ए परीक्षा बातिल हला परे तार मध्ये बहुत प्रभाव पड़ी किंतु व्यक्तिगत भाव मो बातिल रो सपक्ष नथिले मध्ये किंतु वर्तमान परिस्थिति रे सरकार को पाखरे आउ किछि विकल्प ना एवं जून जानुरी मसरे जितेबड़ ठारू आम जान लें आउ गोटे कहर आसूसी लहर आसू से आम तार अल्टरनेटिव प्रस्तुत होवार थिला आम प्रस्तुत है ना एवं युक्त दुई रे मूल्यायन कौन सी पदक्षेप ना इंटरनल आसेसमेंट एठार ना एवं बहुत दिन तले अमूल्य प्रोफेसर अमूल्य पंडा अध्यक्ष एक संस्कार कमिटी बसला आमे प्रथम वर्षर परीक्षा पाई मध्य ताको अनुमति थिला एटा मध्य राज्य सरकार ग्रहण कले ना तेणु वर्तमान परिस्थिति रे एक गुरुत्वपूर्ण विषय सरकार किपरि असेसमेंट करिवे मूल्यायन केमती हबो सेटा होची सबटा बड़ा प्रश्न। डॉक्टर महांती जे जदी जो कथा अपन कहतले जदी प्रथम वर्ष रे जदी परीक्षा हई थांता आज से आधार रे कम से कम आज मूल्यायन करिया पाई सुविधा हई थांता। सीबीएसई रे जो भली भाबरे आभ्यंतरण तांकर परीक्षा करा जाउची बा इंटरनल परीक्षा करा जाउची से आधार रे से माने मूल्यायन करिवे ओडिसा सरकार करिवे कोन एठी काउंसिल अबरवा जो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को आधार रे मूल्यायन करिवो ताकु से जो आधार जदि कोनसी आपणा जाउची कोनसी मोडालिटी जदि प्रस्तुत करा जाउची ताहाले सेटा केते ग्रहण योग्य हबो सेटा मेधावी छात्र छात्रि को न्याय दे पारिबो त ए प्रश्न गुडी को उठुची। डॉक्टर महांती निश्चित भाबे आपण जो प्रश्न उठैछंती वास्तविक एक ठीक ठीक प्रश्न कारण मेधावी छात्र छात्र मैंने किपर उपयुक्त उपरुक्त हे साधारण छात्र जो मैंने जो परीक्षा माध्यम होने किंतु आम गोटे अल्टरनेटिव चिंता न कर बर्तमान काउनसिल कौन कर मोर व्यक्तिगत मत जे अंत गोटे मल्टी डिसिप्लिन क्वेश्चन करी ओएमआर सीट रे परीक्षा कर बर्तमान कौन मेथड करेंगे कलेज तो किसी रेकर्ड ना को अवस्था से करेंगे सरकार तार बर्तमान काउनसिल दिंतु तो काउनसिल गाइडलाइन दिंतु कि जस्टिस देहब ना छात्र मान जस्टिस देहब ना
किसी मत आसुला जो सीबीएसई निष्पत्ति नेला ओडिशा रे प्लस टू बा युक्त दुई परीक्षा बातिल हेले कौन करा जीवो किसी शिक्षाविद मत नौले जे नवम एवं दशम श्रेणीर जहाँ से मानकर रिजल्ट थी जहाँ फल थी से आधार रे ये युक्त दुईर मूल्यायन करा जीवो ए कथा को आपण ग्रहण करिवे कि एटा हेले ठीक हबो कि ओडिशा स्थिति अलग है ओडिशा रे नवम दशम एकादश द्वादश गोटे जगह नहीं आमर प्लस टू कॉलेज अच्छी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छी नवम दशम अलग जगह किसी जगह जॉइंटली अच्छी आईएससी आईसीएसई सीबीएसई एवं सीएचएससी विभिन्न प्रकार बोर्ड अच्छी तेनाली केमी नवम दशम मार्क कौट आसवी बर्तमान धरतु बीजेपी कॉलेज नवम दशम मार्क कौट आसो तेणु भारी डिफिकल्ट सिचुएशन बर्तमान जेतेबेले जो कथा आपण कहितिले गोटे जे जनवरी मासरु अधिकांश राज्य रे कोरोना संक्रमण बढ़िबा आरंभ हो जाइथिला तो सेतेबेले टू राज्य सरकार सेतेबेले कॉलेज गुड़ी को चालू थिला पिला माने छात्र छात्री माने कॉलेज जाउथले क्लास करिबा पाए तो से समय रु जदि कोनोसी आभ्यंतरण परीक्षा करै नै थांते ताहाले आज से आधार रे हुए तो आज गोटे मूल्यायन करिबा सहज होइ थांता तो राज्य सरकार दूरदृष्टि संपन्न कार्य करी दूरदृष्टि अभाव रहिला कि सरकार कर गणशिक्षा विभाग रा आपन को लागु छी हेलो कौन प्रश्न डॉक्टर महा अबो कौन हेलो ओके डॉक्टर महांती आपन सुनि पार छंती हां सुनु छी आज्ञा कथा होची एटा दूरदृष्टि अभाव रहिला कि गणशिक्षा विभाग रा जनवरी मास रे जते बळ अन्य राज्य रे कोरोना संक्रमण बढ़ुतला तो ताकू आकलन कर के ओडिसा रे मध्य युक्त दुई रा गोटे परीक्षा करनबा उचित थिला निश्चित भाव उचित गोटे दूरदृष्टि गोटे प्लानिंग अभाव रहा दूरदृष्टि तो गोटे कथा गोटे प्लानिंग अभाव रहा खाली विभाग अमलातंत्र जो उच्च सचिव मान अच्छा कौन करुले चिंता करमर गोटे आसूच केमी आम ना तो आम गोटे दूरदृष्टि संपन्न कार्य करूना छात्र समाज आज क्षतिग्रस्त युक्त दुई पिला मानकर मेधावी पिला मानकर भविष्य गोटे बड़ प्रश्न जदिओ एक कथा कह जाय छी मुख्यमंत्री को तरफ जीवन आग परीक्षा बड़ कथा नुहे किंतु फिर भी ए परीक्षा बा ए मूल्यायन युक्त दुई समस्त क्यारिअर भविष्य गढ़ापी गोटे बड़ माइल खुंट एवं एठी जदि एपाक सेपाक हुए ताहले भविष्य रास्ता बा लक्ष्य स्थल पहुँचवा पाई गोटे जो रही पिला मानकर लक्ष्य रही एपाक सेपाक हो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महांती आपणकर प्रतिक्रिया दिव्यज्योति महांती आम प्रतिनिधि मत सहित जोड़ी होती दिव्य जानवाक चाहिए जे परीक्षा तो बातिल कर दिगला तेरे कौ आधार में मूल्यायन करोसी मोडालीटी प्रस्तुत कर घोषणा कर गणशिक्षा विभाग तरफ देखो शक्तिशाली निश्चित भाव मुख्यमंत्री गोटे निर्देश देते जे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद विभिन्न विषय मानक परामर्श नेबो एवं निर्धारित समय भितर मूल्यायन शेष करिकिरी जणाबे पिला मानक एवं जेंत्र कहा होची तार गोटे मापदंड मध्ये रहिबो क्राइटेरिया रहिबो किभली भाबर पिला मानकर मूल्यायन करा जीवो से नै क्राइटेरिया को बहुत जल्दी किभली परिप्रकाश करा जीवो से क्राइटेरिया विषय पिला मानक अवगत करा जीवो तापर मूल्यायन करा जीवो मूल्यायन पर जदि कोनोस पिला असंतुष्ट थिबे तांको रिजल्ट को नैकरी समान चाहिले द्वितीय थर परीक्षा दे परिबे किंतु जे परीक्षा हबो से परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद निष्पत्ति नेबो केबे एवं केउठी परीक्षा करा जीवो जेहेतु कोरोना समय रहिछि सेतपई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ऊपर को निष्पत्ति छडा आइछि मुख्यमंत्री निष्पत्ति छाडछन्ती समान चाहिबे से अनुसार ही केबे केउठी परीक्षा करिबे समान ऊपर निर्भर करे किंतु सबुट बड़ कथा होछि विषय मानक परामर्श नेबा पई मुख्यमंत्री निर्देश देछन्ती जे आपण किभली भावे मूल्यायन हेबो तार मापदंड कौन रहिबो से सबू रो परामर्श नियंतु एवं निर्धारित समय पूर्व ही मूल्यायन शेष करंतु एहा होची मुख्यमंत्री को स्ट्रिक्ट कहिपरिबा ऑर्डर रहिछि ता सहित मुख्यमंत्री आउ गोटे बड़ कथा कहिछन्ति जे सारा देश रे बर्तमान कोविड महामारी द्वितीय लहर बर्तमान एक अभावनीय परिस्थिति सृष्टि करछि एथिरे सबुठारु अधिक प्रभावित होउछन्ति पिला मानक पाठपढ़ा अधिक प्रभावित होती से दृष्टिकोण आम कि लोक जीवन जीविका को सुधार पिला पाठपढ़ा दिगरे कौन असुविधा ना से प्रयास चलू किंतु जेहेतु कोरोनार ये समय और भयावहता अधिक रही परीक्षा को बर्तन बातिल कराऊ पिला जीवन रक्षा आमप आग तापर परीक्षा कथा चिंता कर एक मुख्यमंत्री स्पष्ट भाव में प्रेस रिलीज जरिए जनई आमपाई पिला जो स्वास्थ्य चिंता आग रही आम परीक्षा को बातिल कर तेरे दिव्य कौन से निर्दिष्ट समय सीमा धार्य करा जाए कि केबे सुधा सीएचएससी कौन से निष्पत्ति नबा
जो समस्त परामर्श नब जिते स्टेक होल्डर रही क्षेत्र सहित जड़ित जो मान रही अभिभावक कहतु छात्र छात्री शिक्षक तो समस्त को सांगे नहीं कि कौन सी निष्कर्ष नब ना केवल निज स्तर ये निष्पत्ति नब सी एच एस सी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रथम गोटे बैठक विषय मान परामर्श निपर गोटे गाइडलाइन प्रकाश पाइब जे मूल्यायन किभली मूल्यायन प्रोसेस कौन रही है से विषय छात्र छात्री मैंने अवगत हेबे एवं निर्धारित समय पूर्व किभली मूल्यायन शेष हेब के सुधा मूल्यायन शेष हेब से नहीं तारीख प्रकाश करेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सब प्रकार गाइडलाइन को फॉलो कर किभली मूल्यायन करभली निर्दिष्ट मापदंड तार रण कौन मापदंड रिषय में छात्र छात्री अवगत करने मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट अर्डर देते उच्चशिक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद को सहित आपे जो मैंने जो छात्र छात्री असंतुष्ट हे मूल्यायन को नहीं जदि से लगे से मूल्यायन सठिक प्रक्रिय होना से मूल्यायन में त्रुटि रही जाने चाहिए द्वितीय बार परीक्षा देवे और सबुठ बड़ कथा ये जो द्वितीय बार परीक्षा हे ताबे हम क्योंठी हम से विषय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद निष्पत्ति नेबो मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद उपर ही छाड़ निष्पत्ति कारण जेहेतु कोरोना समय रही कोरोना को आखि रखी कोरोनार स्थित को आखि रखी निष्पत्ति नाप मुख्यमंत्री निर्देश देते कि आपत कौन मूल्यायन तारीख कौन रु किसी दिन भितर जहाँ सूचना मिली उच्चशिक्षा माध्यमिक परिषद पक्षर आउ दुई तीन दिन भितर बैठक रही विषय मान सहित बैठक पर ही निष्पत्ति कौन डेट रेबे सुधा मूल्यायन प्रक्रिया शेष हेब ओके मुसबी दिव्य परवर्त समय आप प्रोफेसर प्रणय स्वाई आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन प्रोफेसर स्वाई आपको स्वागत जो भाई भाव में युक्त दुई परीक्षा को बातिल कर दि जाएगी राज्य सरकार एक घोषणा करूँ ये सबुठ बड़ प्रश्न मूल्यायन को आधार हेब किभली भाव में फल प्रकाश करशेषज्ञ मान सहित परामर्श करेंगे तो आपण को लगुच कौन सी भल विकल्प बाहरी पार जहाँ जहाँ को छात्र छात्री अभिभावक समस्ते ग्रहण करें कौन सी प्रभावित हम ना से भविष्य या द्वारा भविष्य प्रभावित तो डेफिनेटली हम एमत ना कि आपड़ी लार्जर पिक्चर टे देखिए स्वास्थ्यगत पिस्थित कोविड क्राइसिस जो सिचुएशन सीबीएसई और आईसीएसई अनाउंसमेंट पर मत लगुच स्टेट गवर्नमेंट पाखे बेस किसी अप्सन ना तेणु परीक्षा बातिल हवाटा एक्सपेक्टेड थिला मुझे कह चाहे किंतु हाँ टेन प्लस टू आई मीन प्लस टू परीक्षार जो रिजल्ट पिला मानंकर एंटायर भविष्य तो एक्चुअली डिपेंड करुची यही एग्जाम रो मार्क्स बेसिस रे परवर्ती पाठ पढ़ार एडमिशन टा हुए आपण टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन छाड़ दिंतु कारण से मोस्टली एंट्रांस बेस्ड एडमिशन हुए बट जनरल लाइन रे जो माने जानती से मानंकर एडमिशन पाई का गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम हम जदि प्लस टू मार्क्स पिला मान पाखे न थाए बट मुझे आशावादी ए रही जेहेतु एत बड़ डिसीजन टा गवर्नमेंट नहीं मत लगुच से किसी गोटे वेल थॉट थ्रू गाइडलाइंस डेफिनेटली बनैबे ताकि मूल्यायन है मार्क्स जमी अवार्ड कर पा मान तो प्रोफेसर स्वाई ये आउ गोटे कथ उठू जो कथ कहे विकल्प नाला राज्य सरकार का पाखरे सीबीएसई पदाक अनुसरण कले सीबीएसई को अनुसरण कले से आधार निष्पत्ति ने किंतु सीबीएसई पाखरे मूल्यायन विकल्प रही सीबीएसई आभ्यंतरीण परीक्षा आधार में मूल्यायन कर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को आधार मूल्यायन कर बिल्कुल सहमत आपणेनसन जहाँ मोर भी से कारण सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड रूल मानते कहले आभ्यंतरीण परीक्षा हो कंटिन्यूस एग्जाम सब डेफिनेटली आमर पाठ पढ़ा दि वर्ष तो पता नहीं कौ हिसाब से कते परिमाण में एक्चुअली पिला भविष्य तो एंटायरली मुझे कहली डिपेंड कर मार्क्स देखु मु भावुची बोधे किसी विशेषज्ञ मानक नहीं कि गोटे टास्क फोर्स बनई माने हे तो प्लान करी पारंती टाइम अच्छी आई मीन वर फुटिंग रे किसी प्लान करी हबो विकल्प ऑनलाइन एग्जाम भी करी हबो बा ऑफलाइन एग्जाम भी गोटे स्टैगर्ड मैनर भी करी हबो तेणु देखा जाओ मत जहाँ लगुच बोधे से करी पारंती स्टेट गवर्नमेंट आई मीन काउंसिल ना ऑफलाइन माध्यम रे बा पिला माने जाई कि श्रेणी गृह रे बसी परीक्षा देबे ए संभावना तो बहुत कम किंतु ऑनलाइन माध्यम रे जदि भी परीक्षा करा जाउछि सेटा
समस्त पाखे पहुँची पार और समस्ते से परीक्षा रे बसी पारे ए व्यवस्था आम राज्य स्थिति जो भाई भाव में देखा अनेक अंचल पिलाखे अनलाइन क्लास पे कर पाखे नाप आनुषंगिक व्यवस्था ना क्या पाखे इंटरनेट ना क्या पाखे स्मार्टफोन ना तो यह स्थित यहाँ संभव हो पार कि ना आउ कौन विकल्प आपन को लगुच रही जोटा कि आपण पारे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज्ञा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर मान को कॉन्फिडेंस गोटे उपाय बाहर करी पारिबे हाइब्रिड मोड रे भी एग्जामिनेशन करी हबो कर्टेल्ड करी की पेपर जो गुडा जो जो बेसिस रे एक्चुअली परे एडमिशन हबो जेमते हमर प्लस थ्री पाठपढ़ा अच्छी जो थे पिला माने गोटे अनर्स प्रोग्राम ज्वाइन करती तेणु से आखि आगे रखिकी सी होपफुल आम समस्त बर्तमान अच्छा कि बर्तमान परिस्थिति कोविड परिस्थिति आप देखिए बहुत नंबर ऊपर को जाऊला तो धीरे धीरे यहाँ आमर ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट हो पारे हुए तो डिक्लाइन करुच्छ सिचुएशन आगु को रहिला होय तो मासे परे टिके परिस्थिति अनुकूल हो पारे तो करी हबनी बोली कथा आम एबेठु कहि परिबानी किंतु सेया को आखि आगे रखी जदि आम प्लान करिबा होय तो आम किछु उपाय बाहर करि परिबा उपाय बाहर परिबो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रणय स्वाई ए प्रसंग रे आपन क्रम मतबत रखिथिबारु तो युक्त दुई परीक्षा बातिल हो जाइछि ओडिसा रे कोन वर्तमान किभली भाव रे जो परामर्श दि जाए जो कथा कह जा मुख्यमंत्री तरफ जे विशेषज्ञ मान सहित परामर्श नहीं कि गोटे निष्पत्ति पहुँच उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को आधार में मूल्यायन कौन हम से आधार को आधार को विकल्प पंथ अपन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद जहाँकि छात्र छात्री भविष्य को प्रभावित करनी कितु से मानू प्रति अन्याय हाँ दबना ए प्रसंग आग को जारी रबर कि समय बिग ब्रेकिंग गोटे छोट विरतिर बर्तमान बड़ा खबर युक्त दुई परीक्षा को बातिल कर दिया जाए ओडिशा पूर्व सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल करथिला अनेक राज्य सरकार द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल करथिले एवं ओडिशा पंथ अपणाई एटी युक्त दुई परीक्षा को बातिल कर दिया किंतु बड़ा प्रश्न होउची बातिल सिना कर दिगला मुख्यमंत्री निर्देश देते उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को खूब शीघ्र गोटे बाहर कर गोटे रास्ता गोटे गाइडलाइन प्रस्तुत करो आधार में मूल्यांकन परीक्षा फल के प्रकाश कर छात्र छात्रीं किभली भाव से मार्क दिजाव ये नहीं कि गोटे मोडालिटी प्रस्तुत करने मुख्यमंत्री निर्देश देते सीएचएससी को सीएचएससी विशेषज्ञ मान परामर्श नहीं कि नहीं गोटे रास्ता बाहर कर किंतु ता पूर्व आम जाना जे छात्र छात्री मैंने निष्पत्ति को कमी ग्रहण करते बालेश्वर को जो बालेश्वर प्रकाश महांती आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती प्रकाश जानवाक चाहबू जे आप सहित छात्र छात्री जो मैंने अच्छा युक्त दुई से कते दूर ग्रहण करुँचे निष्पत्ति को युक्त दुई परीक्षा को बातिल कर मूल्यायन को आधार में हवा दरकार से कौन कौन देखते शक्तिशाही जो कल्पना जल्पना लगी रही है ताज दूर होती जे कि जो भाई अभी पूर्व सीबीएसई परीक्षा बातिल कराइला आज मध्य मुख्यमंत्री से ही निष्पत्ति नहीं कि आगे छात्र छात्री को स्वास्थ्य अवस्था कथा गुरुत्व देते जहाँफल आज कैनसल कर जो युक्त दुई परीक्षा को आम सहित प्रथम देखिए आम छानुआर अच्छे छानुआर छात्र छात्री मैंने अच्छा सहित अभिभावक भी अच्छा आम प्रतिज्ञा ना आज्ञा देखूँ जो भाई भाव पूर्व सीबीएसई परीक्षा को बातिल करते तो आज मुख्यमंत्री निष्पत्ति ना युक्त दुई परीक्षा को मध्य बातिल कराला ये नहीं कि कौन भावुंत आप तो कौन सी प्रकार किसी निष्पत्ति नि कौ आधार मार्किंग कौन कर बातिल कौन आप भावुंत कौन रखे देखो सी एच एस सी सीबीएसई फास्ट एग्जाम कैनसल कर तो सी एच एस सी भी आज एग्जाम कैनसल करदे तो पिला कमी मार्क मिल तो से नहीं पिला कमी मार्क मिल तो आगर भी सी एच एस सी एग्जाम कैनसल करने बहुत भावुला तो कर तो पिला पिला दृष्टि रखिकी से निष्पत्ति मुख्यमंत्री ने कौन कहे कमी कौन मानदंड हम कब जो मार्किंग सब गुरुत्वपूर्ण कथ हो जेहतु युक्त दुईटा सब भाइटाल मार्किंग करेंगे किए पिला इंजीनियर पढ़े डॉक्टर पढ़े किए कोचिंग नब एस कथ था कौ आधार में मार्किंग हो भाव आप नाइन क्लास हो टेन क्लास जो बोर्ड एग्जाम से ही को आधार नहीं कि आधार कर तो एग्जाम मानते मार्किंग करने चेस्ट कर निष्पत्ति तो
ठीक नुह कहीं जो पे नवम दशम श्रेणी में भल कर नए सी चाहूबे प्लस टू भल रिजल्ट करने तो से दृष्टि रखिक भावुची कि नवीन सरकार किसी देख छात्री अच्छा सहित अभिभावक अच्छा आज्ञा कौन कहे जो कथा कहला दुई तीन दिन है चली विचार विमर्श चलता जैक युक्त दुई परीक्षा हम कि ना आज शेष निष्पत्ति मुख्यमंत्री निष्पत्ति ने कि युक्त दुई परीक्षा बातिल करागला तो गोटे पटे महामारी करोना गोटे पटे कैरियर एसब कथा जी देखिया कौन कौन आज जो कैंसल है कौन कह करोना प्लस टू एग्जाम बातिल हाँटा स्वास्थ्य पक्षे भल किंतु एग्जाम होते जे मैंने खराब पढ़ुते से मैंने प्लस टू रे भल पढ़ी आए भल रेजल्ट करते भल रेजल्ट करें और गोटे पक्ष खराब होने भल रेजल्ट करें दुखर विषय दुखर कथा कमी भाव बर्तमान कौ आधार में मार्किंग कौन कर विषय विशेषज्ञ मान मतामत लोड़ा मुख्यमंत्री निर्देश देते उच्चशिक्षा माध्यमिक परिषद को कौन हम बोली भावुंत केमी आधार कले ठीक पिला कैरियर सुविधा हो पार गोटे निष्पत्ति जो ने सरकार से सठिक हम एक नहीं कौन चिंता करते कौन भाव आम भाचु कि प्लस टू टेन्थ आउ नाइन एट्रे जो पे भावुले कि प्लस टू रे भल रेजल्ट करेंगे और टेन्थ्रे पाठ पढ़ु नुले से खराब हो पाए और जे मैंने भल मार्क रखी से भल जहाँ भी निष्पत्ति भावुंत ठीक हे जो आधार में मार्किंग ये हम तो से भाया किसी भावुंत आशंका रोचे कि कौन हम कौन ना कैरियर कथ गुरुत्वपूर्ण कथाटा हाँ कहीं आम किए खराब पड़ी से आ तो भल कलेज पढ़ापी चाहूँ ना से भल कलेज पढ़ी पार्वनी पुणी से जो कलेज पढ़ापी चाहू तापाई से संभव नुहे तो छात्र छात्री भितर द्वंद्व भी रही जे जो मूल्य मूल्य से मिल जो भाव में मूल्यायन करते दूर से सेटा उचित न्याय दे पार खासकर मेधावी छात्र छात्री मैंने लेकिन आशंकर अच्छा धन्यवाद प्रकाश आम बर्तमान जी आप सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि सतरूपा सामंतराय सतरूपा बातिल हो जाए युक्त दुई परीक्षा किंतु केमती मूल्यायन हम जो कथा निर्देश देते मुख्यमंत्री CHSE व उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को जे विशेषज्ञ मान परामर्श नहीं निष्पत्ति नब को आधार मूल्यायन कौन प्रस्तुत यार विकल्प व रास्ता तो केवे CHSE तरफ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफ ये बैठक बसुची कौन रही आपरे अधिक सूचना देखंतु शक्ति गत दुई दिन हला याकु नहीं तर्जमा चलीला और आज शेष निष्पत्ति प्रकाश पाई कि प्लस टू जो परीक्षा रही था CHSE बोर्डर ताकु बातिल करा जाई तो पूर्वर गत तीन दिन तले देखि प्रधानमंत्री अध्यक्षतार जो उच्चस्तरीय बैठक बसीला से CBSE बोर्ड को बातिल करा किंतु ये प्रश्न उठू CBSE रे जेहेतु के इंटरनल परीक्षा होता है और जो कॉलेज रे परीक्षा होता है गुरुतर सहित करा गुरुत्व दिखाई कि किंतु जितेबाला देख CHSE बोर्ड रे युक्त दुईर जितेबाला बोर्ड परीक्षा होता है सीधा सड़क भाव में युक्त फर्स्ट ईयर परीक्षा सह सीधा सड़क भाव में युक्त दुईर बोर्ड परीक्षा दे था तो या वर्तमान एक चिंता प्रकाश पाई कि भाव में CHSE बोर्ड मार्किंग हे कारण प्लस टू पर ही छात्र छात्री जो अन्न्य पाठ रही है से सीधा सड़क भाव में आग को बढ़ी था तो किए वैषयिक शिक्षा ग्रहण करें तो आउ किए किए मेडिकल करें तो यू को लेकिन वर्तमान चिंता प्रकट कर भाव में से ही एंट्रांस गुड़ी को सेमाने क्वालिफाई करेंगे एपट एपटे किभली भाव में मार्क पाइबे ए सबू जिनस को लेकिन एक बड़ वर्तमान चिंता प्रकट कराई किंतु सबुठ बड़ कथा होची पूर्वर मध्य मेट्रिक क्लास जिते दशम श्रेणी परीक्षा को मध्य बातिल कराइला कारण दुई वर्ष है महामारी पई पाठपढ़ा संपूर्ण भाव में ठीक से हो पारना जिते भी ऑनलाइन क्लास होता ऑनलाइन पाठपढ़ा संपूर्ण भाव में सफल रूप नहीं पार ना अनेक जगार ऑनलाइन पाठपढ़ार व्यतिक्रम देखा मिलता छात्र छात्री मैंने कौटी नेट्र सुविधा उपलब्ध हो पार ना तो आउठी कौटी अपघंच इलाकार लोके जो युक्त दुईर छात्र छात्री कथ कहतु से पाठ पढ़ी पार ना तो जितेबाला पूर्वर आम देखीजे केन्द्र सरकार जितेबाला बड़धरण निष्पत्ति नहीं ही राज्य सरकार निष्पत्ति ने जहाँ जमापड़ा और शेष में आज बर्तमान जहाँ प्रकाश पाई मुख्यमंत्री अध्यक्षतार जो बैठक बसला से बर्तमान प्रकाश पाई कि युक्त दुई CHSE रुक्त दुई बोर्ड परीक्षा को बातिल कराई किंतु से गोटे ही बर्तमान चिंता रही
ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଅଭିଭାବକ ସଂଘମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ମାର୍କିଂ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ କିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଛୁଆ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବା ପ୍ରମୋସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ। ତ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କିଂ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେଇଥାଏ, ଯଦି 60-40 ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେଇଥାଏ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ରେ କିଭଳି ମାର୍କିଂ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ବାହାରୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତି କଲେଜକୁ ଏବଂ ବାହାରର ଏକ୍ସପର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ତ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଛୁଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କିଂଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ମାର୍କଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇବେ, ଏବଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା ଆର୍ଟ୍ସର ଯଦି କହିବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଯେଉଁମାନେ କଳାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏବେ ବଡ଼ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା କି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ, ସବୁ ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାର୍କିଂ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିଛି। ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ଯେ କେମିତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ଧନ୍ୟବାଦ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବାରିପଦା, ବାରିପଦାରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରଞ୍ଜନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିଲେ, ଯେ ପରୀକ୍ଷା ତ ବାତିଲ କରିଦେଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି ମିଳିବ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ, ତ ବାରିପଦା ସହରରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁ CBSE ହେଲା, ICSE ହେଲା, ସେ ବୋର୍ଡ଼ର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି MPC କଲେଜ, ଯେଉଁ ବାରିପଦାରେ ଅଛି MPC କଲେଜର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବରେ କହିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି ଆପଣ? ହଁ, କରୋନା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିଲେ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ବି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନେ କି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ବି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ହେଲାନି, ତ ଆମେ ଏଇଟା କିପରି ଭାବରେ ମାର୍କ ଆମ ରିଭଲ୍ୟୁଟ୍ ହେବ, ତ ସେଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମ ମନରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିବ ଆମ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଏଇଟା। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲା ପରେ ବି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉଛି, ତ ଆମକୁ ନିହାତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଇଛି କ'ଣ? ହଁ, ବାତିଲ ହେଇଛି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବାତିଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ଗତ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ହିସାବରେ, ଆମେ ସେଥିରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ପିଲା, ସେହି ହିସାବରେ ସେ ମାର୍କ ପାଇନାହିଁ, ମାତ୍ର 88.7 ମାର୍କ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ 14 ମାର୍କ ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ସାର୍ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ମିଳେଇଲା ପରେ ବି 14 ମାର୍କ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବା କଥା, ତା' ରିକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ତା'ର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ୟା ଉପରେ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ଆସୁନି, ଯେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ପିଲାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ବାତିଲ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ଟାରୁ 90 ନ ପାର ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟାରେ କିଛି ନହେଲେ ବି 90 ପାର ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ପାରିଦେବୁ ବୋଲି। ଏଣୁ ଦିନ ରାତି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ମାର୍କିଂ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା, ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ? ଏଣୁ ଏହାପରେ ଦିନ ସରକାର ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଦି ଏଇ ମାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ପିଲାର ଇଏ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଶକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯଦି ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି ହେବ, କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଇନାହିଁ, ଯଦି ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଥିଲା ଫଳ, ସେହି ମାର୍କ ଆଧାରରେ, ସେହି ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଛାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପଚାରନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ।
ରଞ୍ଜନ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ କଥା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏ କଥା ସତ। ଖାସ କରି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଯେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେ କିଭଳି ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏତେ ଭଲ ଫଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଇନଥିଲା, ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ଭଲ ଫଳ କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଇଟା ସହାୟକ ହେବ। ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଦଶମରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ଭରଣା କରିବୁ, ମେଟ୍ରିକରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ଭରଣା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ଭାବନା ବା ସେ ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି ଏ ବାତିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଆଗ, ଭବିଷ୍ୟତ ବା ପରୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଆଗ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି କେଉଁ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପାଲଟିଛି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି।